भारत न्यूज 24 और हम अभी बात करने जा रहे हैं पटना जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से कल एस के पुरी में मुखिया को सरेआम गोली मार दिया गया और सीधा कहा जा रहा है कि राजद के ही कार्यकर्ता के द्वारा ऐसा यह लगाया जा रहा है अंजाम, इस पे हम इनसे बात करेंगे कि क्या बिहार में लग रहा जंगल राज आगे इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है सर। देखिए बिहार में जंगल राज क्या है, बीजेपी वाले को तो कोई मुद्दा है नहीं, तो एक मुद्दा बना रहे हैं कि आरजेडी की सरकार में जंगल राज हुआ है। क्या बीजेपी की सरकार में यहाँ दिल्ली में क्राइम नहीं हो रहा क्या? कहाँ बीजेपी की सरकार है? क्या यूपी में क्राइम नहीं हो रहा है? कहाँ क्राइम नहीं हो रहा? क्राइम तो होता ही है, क्राइम को कोई रोक सकता है? छोटा मोटा क्राइम तो होते ही रहता है, लेकिन इसमें सरकार की बदनामी बीजेपी वाले कर रहे हैं तो बीजेपी वाले मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। बीजेपी जब सरकार में थी जदयू के सरकार में तो क्या सफी यादव तो क्राइम बीजेपी के साथ में सरकार में हुआ करते थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते थे कि विकास हो, क्राइम कम हो, सरकार ध्यान दे, तो बीजेपी के तो वहां से दिल्ली से इनका दिल्ली से कमान होती थी, दिल्ली से जैसे चाहते थे वैसे अमित शाह जी दिल्ली से कंट्रोल किया करते थे। इसी में लाचार होकर मुख्यमंत्री हमारे विकास में बाधा हो रही थी, इसी लाचार होकर पार्टी को छोड़कर बीजेपी के साथ छोड़कर महागठबंधन में आरजेडी के साथ हो गए, जिसमें विकास बिहार में विकास हो, विकास में बाधा हो रही थी, विकास में जो है बीजेपी वाले अंकुश लगा रहे थे। ओके सर, यह जो अभी दो सीटों पे चुनाव हो रही है, क्या लगता है इधर भाजपा दावा ठोक रहे हैं कि भाजपा की तरफ से दोनों सीट कंफर्म है, कि क्या लग रहा है इसका भी क्या प्रतिक्रिया? अरे पता चल जाएगी चुनाव के बाद, दोनों सीट हमारे जीत रही है, मोकामा भी आरजेडी की सीट है, आरजेडी ही जीतेगा और गोपालगंज से ही आरजेडी ही जीतेगा। ओके, बिहार में जिस तरह से रोजगार की बौछार हो गया, तेजस्वी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, क्या लगता है भाजपा बार बार अंकुश लगा रही है, कह रहे कि राजद की सरकार जनरल राज की सरकार, इस पे आप क्या कहते हैं? स्वास्थ्य विभाग का हाल देखिए, स्वास्थ्य विभाग में क्या हुआ, इतना कोरोना हुआ, इतना महामारी हुआ, एक जगह इतना हॉस्पिटल में कहीं आज तक कहीं देखने जाते थे स्वास्थ्य मंत्री जी? ये हमारे से तस्वीर स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, बराबर जहां तहां देखने जाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं, हॉस्पिटल में वार्ड में घूमते हैं, वार्ड में पब्लिक का क्या दिक्कत है, दवाई नहीं मिलती है उसके लिए व्यवस्था करते हैं, खुद बात करते हैं। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री के भी थे, आप बताइए कि इससे पहले मंगल पांडे जी थे तो कहीं हॉस्पिटल में कहीं जाया करते थे कभी रात में दिन में कभी? वो तो केवल ऑफिस जाते थे, बस ऑफिस से ही सब काम किया करते थे, कहीं घूमने जाते थे, कोई वार्ड घूमते थे, कोई हॉस्पिटल के निरीक्षण कभी किया करते थे? हमारे स्वास्थ्य मंत्री से तस्वीर जो है NMCS PMCS अनिसाबाद सभी सरकारी जितना हॉस्पिटल है सब में निरीक्षण करते हैं और सरकारी हॉस्पिटल को तंत्र को मजबूत करते हैं ताकि पब्लिक को उपलब्ध हो, पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा सेवा मिल सके और कम पैसे में इलाज हो सके और दवाइयां मिल सके। सीधा अभी हमारी बात हो रही है कि पटना जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, देखिए सीधा इन्होंने बताया कि जिस तरह से सरकार अभी काम कर रही है और दोनों सीट समझे कि कंफर्म राजद ही यहाँ पे जीतने जाएगी, और खबरों के साथ बने रहिए कुमार हसन, भारत न्यूज 24।